तो लास्ट एपिसोड के एंड में बेदोन माउंटेन का ट्रेजर पोर्टल खुलने के बाद एलेक्स और बाकी सब उसमें चले गए थे। अब आगे तो एपिसोड 36 की शुरुआत में हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं जो उस माउंटेन के ट्रेजर हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रेजर थे। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जिसका वही ट्रेजर जो उसे एक बार पहले मिला था वो उससे बोलता है कि तुम मुझे इस ट्रेजर हॉल के कोल्ड पूल में ले चलो। ये सुनकर एलेक्स हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो। उसी वक्त वहाँ रूबी आ जाती है पर एलेक्स उससे ये कहकर आगे चला जाता है कि तुमने मुझे सच बताया इसके लिए थैंक्स बट हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इसके बाद एलेक्स उस कोल्ड पूल के पास जाकर उसे टच करता है जिसे टच करने पर उसे बेहद ताकतवर एनर्जी महसूस होती है इसलिए वो उसके अंदर कूद जाता है जिसके अंदर जाने पर वो बर्फ की तरह जम जाता है लेकिन वो अपने गोल्डन विंग्स की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी उसका ट्रेजर उसे एक और बड़ा ट्रेजर दिखाता है तो एलेक्स उसका पीछा करने लगता है। इधर मैक्स और बाकी सभी उस प्योर एनर्जी को देख पूल के अंदर कूद जाते हैं जिसके बाद वो भी उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एलेक्स का ट्रेजर उस बड़े ट्रेजर की एनर्जी कंज्यूम करने लगता है और एलेक्स को कहता है कि जितने मैं ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ इतने तुम उनका ध्यान भटकाओ। जिसपे एलेक्स पूछता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँ तो वह ट्रेजर कहता है कि इस समय तो मेरी मदद करो बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर एलेक्स गॉड स्टोन की मदद से मैक्स और बाकी सबसे लड़ने लगता है जहाँ मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट का वार एलेक्स पे करता है तो एलेक्स भी उस गॉड स्टोन में अपनी थोड़ी एनर्जी डालकर उस पर अटैक करता है लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है और उस ट्रेजर को लेकर भागने लगता है लेकिन एलेक्स अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस ट्रेजर को वापस हासिल कर लेता है तो मैक्स उस पर लगातार कई सारे अटैक करता है लेकिन एलेक्स उन सबसे बच जाता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है साथ ही एलेक्स का ट्रेजर उस बड़े ट्रेजर की सारी एनर्जी कंज्यूम करके एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है तो मैक्स उस ट्रेजर को लेने के चक्कर में एलेक्स पर वार करने की कोशिश करता है। तभी रूबी मैक्स को देखकर उस पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से मैक्स का वार नाकामयाब हो जाता है लेकिन इतनी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से रूबी नीचे उस पोर्टल में गिरने लगती है तो एलेक्स ये देखकर रूबी को सेफली पोर्टल के अंदर ले आता है जिसके बाद रूबी उसे थैंक यू बोलती है। इधर मैक्स भी उस पोर्टल से अंदर आ जाता है और उसे अपने सामने एक रॉक वेल की स्पिरिट दिखती है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब वो रॉक वेल की स्पिरिट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिसके बाद उन सबको रॉक वेल की बोन से बने कई सारे ट्रेजर दिखते हैं जिन्हें देखकर मैक्स जलपरी और बाकी सब उस ट्रेजर को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स भी उस ट्रेजर को पाना चाहता था तभी रूबी और उसके साथी उसके पास आते हैं तो एलेक्स उनसे कहता है कि तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ इतने में मैं ट्रेजर ले लूंगा और बाद में हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं जिसके बाद एलेक्स उनमें से कुछ को हरा कर उस बोन ट्रेजर को पा लेता है पर उसे देखकर एलेक्स को अजीब सा लगता है तो वो उस ट्रेजर को दूर फेंक देता है जिसके बाद कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं पर मैक्स को एलेक्स के ऐसा करने पर शक होता है और वो एलेक्स का पीछा करने लग जाता है। तभी वो जलपरी मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे आती है तो मैक्स अपने वेपन की मदद से उस पर अटैक करता है लेकिन एलेक्स उसे सही समय पर बचा लेता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है और बीच बीच में उसकी बेइज्जती भी करने लगता है जिससे गुस्सा होकर मैक्स अपनी पूरी ताकत से एलेक्स पर अटैक करता है तो एलेक्स भी उसे रोकने लगता है। तभी एलेक्स का 10th हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से वो एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है जिसके बाद वहाँ की चीजें टूटने लगती हैं तो रूबी के साथी उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर एलेक्स होश में आने के बाद इधर उधर देखने लगता है पर उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तभी कुछ बीस स्पिरिट उस पर हमला करती है लेकिन एलेक्स उन सबसे बच जाता है तो वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर 9-हेड स्नेक की स्पिरिट आती है जो एलेक्स को बहुत इंजर्ड कर देती है। तभी एलेक्स पत्थर टूटने की वजह से एक पहाड़ के अंदर चला जाता है जिसके बाद वहाँ पर असली रॉक वेल स्पिरिट आती है और उसे असली रॉक वेल ट्रेजर दे देती है क्योंकि एलेक्स के मन में लालच नहीं था। इसके बाद वो स्पिरिट एलेक्स को वहाँ पर कल्टीवेट करने को बोलती है क्योंकि उस जगह रॉक वेल का रियल ब्लड था जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी जाती तो एलेक्स भी ये सुनकर ऐसा करने लगता है जहाँ 10 दिन बाद वो उस टेक्निक को सीख जाता है पर वो अभी भी उसे अच्छे से नहीं समझ पाया था। इसके बाद एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर रूबी अपने साथियों के साथ पूरे 10 दिन से एलेक्स का वेट कर रही थी तभी उसे एक बोट में एलेक्स दिखाई देता है। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लग गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।